आपको आज चिकन कढ़ाई बनाना सिखाते हैं, तो चलिए चेक करें कुकिंग विद नोमन। आज काफ़ी देर बाद बना रहा हूँ, सो डोंट जज पीपल। थोड़ा जिंजर डाल दिया, थोड़ा गार्लिक डाल दिया, थोड़ा ऑनियन डाल दिया, और अब ये मैं थोड़ा ऑयल डाल दिया। फिर इसको मिक्स करना है, हल्की सी आग पर रख दिया। अब इसको थोड़ी देर इसको वो गैप बन गई। वाला ऑयल है जो हम यूज़ करते हैं, ओलिव पाम ऑयल, अच्छा ऑयल है, आपकी सेहत के लिए भी अच्छा होता है। अभी हल्का सा गर्म हो गया और आग थोड़ी सी तेज़ है गर्म होना की। दालचीनी डाल दी है ताकि थोड़ी खुशबू आए और टेस्ट अच्छा हो। थोड़ा ज़ीरा डाल दिया हसबे जायका। ये चिकन फ्रीजर में रखा हुआ था, जम गया हुआ था, अब इसको डीप रोस्ट करने हैं, पानी लगा के देखते हैं जल्दी हो जाएगा इंशाल्लाह। आज आपका भाई बड़ा ही शेफ बन गया। एक नज़र देखने मेरे पीछे, 2019 का अभी भी लगा होगा। ये चिकन मैंने अब बीच में डाल दिया और इसको अब 15-20 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। रखने का मेन मकसद ये है ताकि वो जो चिकन है वो जो जमा हुआ है वो खुल जाए और बाद में अच्छी तरह फ्राई हो जाए। ये भी आपके भाई ने सीखा, वक्त सिखा देता है। वो ऐनक वैनक नहीं है, वो सिर्फ आपका भाई फिल्टर चेक कर रहा है स्नैपचैट पे, होना चाहिए थोड़ा सा। अब इसको हम चेक करेंगे, चिकन का कलर थोड़ा सा चेंज हो गया। चिकन का कलर जो है थोड़ा सा चेंज हो गया और ऑनियन भी येलो येलो हो गए हैं और चिकन फलना भी शुरू हो गया। अब इसको हम हल्का हल्का सा हिलाते रहेंगे ताकि मिक्स हो जाए इस तरह से। थोड़ी देर बाद बस ये कलर चेंज करने वाला है इंशाल्लाह, उसके बाद फिर हम इसमें मसाले डालना शुरू करेंगे। जब हम मसाले डालेंगे, 1.5 चम्मच नमक डाल दिया, 1.5 चम्मच क्रश चिली, 1/2 स्पून काली मिर्च, 1/2 स्पून कोरिएंडर सूखा धनिया और 1.5 चम्मच हल्दी। अब इसको हम खाने में डालेंगे। गर्म पानी डाल दिया गया कैटल में गर्म करके। पानी गर्म पानी डालने का मकसद ये है ताकि ये नीचे लगे ना और जो चिकन बचा हुआ है जो अभी जुड़ा हुआ है वो खुल जाए, सही तरह ओपन हो जाए। एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि लगे ना, लेकिन अगर लग भी जाए तो दूध डाल सकते हैं उसका असर ख़त्म करने के लिए। ये हमने 2 टमाटर ले लिए, 3 टमाटर बल्कि उनको काट लिया, साथ जिंजर थोड़ा सा और 2 ग्रीन चिलीज उनको काट लिया, इस तरह के छोटे छोटे साइज बना लिया। और ये हमारा मसाला पड़ा हुआ, मसाले बीच में डाल दिए और इसको आप मिक्स कर लेना। कलर माशाल्लाह इसका बहुत अच्छा हो गया, आपका भाई पूरा शेफ हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। जब ये जो हमने चीज़ें काटी थी इनको भी डाल लेना बीच में अच्छी तरह और फिर मिक्स कर लेना। ये बटर के छोटे छोटे स्लाइसेस कर लिए, अब इसको हम अपने खाने में डालेंगे। इसको हमने डाल दिया, अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। उसको हमने ढक के रख दिया और कुछ देर बाद उसको हम जाके दोबारा चेक करेंगे कि किस तरह का उसका कलर है। तो हमारे लीडर खान साहब की मुझे पोस्ट आई जिसमें उन्होंने मुझे एक चीज़ भेजी, मैं आपको दिखाता हूँ ये। सो कीप सपोर्टिंग इमरान खान, कीप सपोर्टिंग कैंसर हॉस्पिटल्स बिकॉज इट हेल्प्स द पीपल हु आर नीडी। कीप इट अप इमरान खान, यू डूइंग अ गुड जॉब। अल्हम्दुलिल्लाह चिकन की शक्ल बहुत अच्छी बन गई है। अब इसमें हमने 2 मिर्चें डाल दी हैं साबुत ताकि उसका थोड़ा टेस्ट आए। इसमें धनिया और मिर्चें डाल दी हैं ताकि टेस्ट आ जाए थोड़ा। ये कढ़ाई 100% तैयार हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, शक्ल से लग रहा है माशाल्लाह बहुत अच्छी बन गया, इसको खाएंगे। तो आज आपका भाई सोच रहा है क्यों ना जिम कर ली जाए, लेकिन कोरोना फैला हुआ इसकी वजह से जिम जाने को दिल नहीं कर रहा, इसलिए आज मैंने डिसाइड किया क्यों ना घर में थोड़ी सी एक्सरसाइज की जाए।
और थोड़ा फिट रहने की कोशिश की जाए। और मैं आपको दिखाऊंगा मैंने घर में थोड़े से डंबल रखे हुए हैं क्योंकि कभी कभी घर लिए जाते हैं, पीछे से भी आना चाहे तो दिखाते हैं आपको। डंबल रेडी हैं, अब एक्सरसाइज करती हैं और बाद में फिर मिलती हैं। इतना प्यारा मौसम है भाई और बंदा भाई नहीं जा सकता, कोरोना, इस कोरोना टाइम।